भाइयों बहनों, तेलंगाना की सरकार ने गरीब, दलित, पिछड़े आदिवासियों को सिर्फ झूठे वादे दिए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार ने सही मायने में इन वर्गों को सशक्त किया है। वारंगल सहित इस पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी और पिछड़े समाज के लोग रहते हैं। पहले की सरकारों में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता था। सड़कें हो, पीने का पानी हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, हमारे ट्राइबल भाई बहन का नंबर सबसे अंत में आता था। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बीजेपी ने पहले की सरकारों की सोच और अप्रोच दोनों को बदल दिया। हमने आदिवासी क्षेत्रों में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल स्कूल खोले। हमने वन उपज के सही दाम देने के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाया। हमने जनधन केंद्रों के माध्यम से रोजगार के नए साधन तैयार किए। आज आप देख रहे हैं कि इन आदिवासी क्षेत्रों में 6 लेन के 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, मिशन मोड पर 4G नेटवर्क की सुविधाएं तैयार की जा रही है। आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया के बहुत बड़ी दिक्कत है। अब बीजेपी सरकार ने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से हटाने के लिए भी अभियान शुरू किया है।